नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एल साइज टी शर्ट की पैटर्न की कटिंग कैसे की जाती है। ये हमारा पैटर्न सीट है, इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से एल साइज के लिए हमें 29.5 इंची पर एक निशान लगाना है। इसी तरीके से आगे भी 29.5 इंची पर निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को नीचे से मिला देना है, क्योंकि 28 इंच की लेंथ हमारी तैयार आएगी और जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वो मार्जिन में जाएगा। अब हम इसका जो आर्मोल आएगा 40 साइज का 1/4 10 इंच आएगा, और 1 इंच घटाकर हम इस निशान लगा देंगे 9 इंची पर, क्योंकि ये जो टी शर्ट होती है इसका कपड़ा स्ट्रेच होता है, इसलिए हमें 1 इंच कम रखना पड़ेगा ताकि हमारा आर्मोल ना बढ़े। तो यहाँ से अब हम चेस्ट के लिए 40 का 1/4 10 और 1/2 इंच निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि दोनों साइड में हमारा आधा आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। अब इसके बाद हम नीचे जो हमने निशान लगाया 10 इंची पर, 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे आर्मोल के लिए, और यहाँ से 8.5 इंची पर निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद 0.5 इंची पर एक निशान लगाएंगे और इसमें शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमें शेप देनी है। इसके बाद अब हम ऊपर से जो हमारा ऊपर से कंधी डाउन होती है वो 1 इंच नीचे गिरा देंगे। अब हम इसका कॉलर बनाएंगे, तो कॉलर के हाले के लिए 3.25 इंच नीचे निशान लगाएंगे और 2.75 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को सीधा करके फीते की सहायता से निशान लगा देंगे, क्योंकि ये जो हमारा कॉलर है इसमें जो है गोल गले का कॉलर बनेगा, यानी इसमें रिब लगाएंगे हम, ये राउंड नेक टी शर्ट बनेगी। तो चलो इसमें हमने निशान लगा दिया है। अब इसमें हम बीचम बीच एक निशान लगाकर शेप देनी है बिल्कुल अंडाकार। तो यहाँ से हमने इसमें शेप दे दिया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहना, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ से एक कंधी जो डाउन की है उसका निशान लगा देंगे, और जो हमारी ये 10.5 इंच निशान लगा कर जो आया था इसी तरीके से नीचे भी 10.5 इंची पर ही निशान लगा देना है, और इन दोनों निशानों को मिलाने के लिए बीच में एक निशान और लगाना है 10.5 पर, क्योंकि फीटा हमारे पास बड़ा नहीं है इसलिए हमने छोटे फीटे से ही निशान लगा दिया है। इसमें चाहे तो शेप भी दे सकते हैं, लेकिन शेप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टी शर्ट जो है बिना शेप की ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग की है, अब इसके आर्मोल की कटिंग करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारी बैक साइड होती है, ये हमारा फ्रंट है, अब हम इसकी बैक साइड की कटिंग करेंगे इस फ्रंट की ही सहायता से। तो ये हमारा डबल फोल्ड जो है पैटर्न सीट डबल फोल्ड कर ली है, और इसी पर अपने सामने को इस तरीके से बिछाना है ताकि मार्किंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमने यहाँ से बिछा दिया है, बिल्कुल सीध में बिछाना है, और फीटे की सहायता से नीचे निशान लगा देना है जैसे हमने सामने में निशान लगाया था। इसी तरीके से हमें साइड में भी निशान लगाना है, और यहाँ पर ध्यान रहे ये जो हमारा आर्मोल है ये 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है बैक में, और आगे चलकर बिल्कुल मिला देना है, और नीचे भी इसी तरीके से मिला देना है। इसके बाद ये जो हमारा कॉलर का हाला है, बैक साइड के जो कॉलर का हाला है उसमें 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, और इसको मिलाकर फीटे की सहायता से इसको मिलाकर इसमें हल्की सी शेप दे देनी है, क्योंकि हमारी टी शर्ट की बैक है, बैक में हम ज़्यादा गहराई नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि कटिंग से रिलेटेड पैटर्न के लिए हम अपने चैनल पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने इस टी शर्ट की बैक की भी कटिंग कर ली है। तो चलिए अब हम टी शर्ट की जो बाजू होती है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड पैटर्न सीट कर ली है, और यहाँ से 9.5 इंच पर एक निशान लगाना है, यहाँ से 9.5 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाना है,
और इसी तरीके से 9.5 इंच पर इधर भी निशान लगाना है। तो जो हमारी बाजू 9.5 इंच पर यहाँ निशान लगाना है, जो हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो नीचे से रखनी है हमें 7 इंच, क्योंकि डबल फोल्ड करके जब हम मार्जिन में चला जाएगा हमारा आधा आधा इंच यानी 13 इंच रह जाएगी। तो यहाँ से हम इसको 7 इंची पर सीधा मिला देना है, और जो हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया था ऊपर, इसको मिला देना है। इसके बाद अब हम 3 इंच नीचे की तरफ डाउन गिराएंगे और यहाँ से शेप में बाजू को घुमा देंगे। तो यहाँ से हमारी बाजू घूमकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से बाजू की भी कटिंग करते हैं। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे अब हम नवी वीडियो में नवे टॉपिक के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।